आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सुबोध सेठ का प्रणाम। और जहाँ तक अरब की बात है, तो अरब हमारे यहाँ जो रोज़गार की खोज में जो लोग बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, या अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं, और वहाँ क्या दुर्दशा होती है उनकी, इन सब पर आधारित है अरब। और मतलब बहुत अच्छी कहानी है और फिल्म अच्छी बनाएंगे पराग पाटिल सर, तो विश्वास है। फिल्म के निर्माता रत्नाकर जी क्या कहना चाहेंगे? रत्नाकर जी जैसे प्रोड्यूसर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहिए। अगर रत्नाकर जी रहेंगे तो हमारा भोजपुरी सिनेमा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत कौन करता है, आता है। और वो जो जैसी फिल्में बन रही आजकल, समझ रहे हैं, एक फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर वापस चले जाते हैं, लेकिन रत्नाकर जी ने हिम्मत की है अच्छा करने की, और अच्छा होगा भोजपुरी का जी। और जो फिल्म में मेन लीड हैं अमरपाली जी हैं, दिनेश जी हैं, तो दिनेश जी और अमरपाली जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे दिनेश जी तो सुपरस्टार हैं, और अमरपाली जी के बारे में क्या कहना, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सुपरहिट है। और दिनेश जी ने कहा था कि मैं वो ऐसा हीरो हूँ जो रिक्शा वाला भी लग जाता हूँ, मैं ठेला वाला भी, ऑटो वाला भी लगता हूँ। और दिनेश जी हीरो भी लगते हैं, जब हीरो बनते हैं तो हीरो लगते हैं। और अमरपाली जी के बारे में क्या कहूँ, अमरपाली जी तो अच्छी हैं, गुड एक्ट्रेस, गुड लुकिंग, बहुत अच्छी हैं। अपने बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों से, अब तक आपने क्या किया है, कैसे इंडस्ट्री माना हुआ है? हाँ, इंडस्ट्री में तो आया हूँ, एक वो था कि मुझे भी इंडस्ट्री में कुछ करना है, लेकिन विलेन ही करना है, ये सोच के आया था। और संघर्ष, बहुत संघर्ष किया हूँ भाई यहाँ। मतलब एक समय ऐसा था कि कुछ खाने वाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे जेब में, वड़ा पाव नहीं खा पाता था, तो वो सब संघर्ष करके, संघर्ष तो आज भी चल रहा है, लेकिन एक अच्छा है, भोजपुरी में एक मुकाम बन रहा है धीरे धीरे आप लोगों के आशीर्वाद से जी। अब तक कितनी फिल्में कर लिया है आपने? 20 फिल्में तो कर ही चुका हूँ कब लगभग, अब गिनना पड़ेगा, लेकिन 20 फिल्म तो है। आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? आने वाली फिल्म है अभी सबसे पहले तो आएगी राज तिलक, उसके बाद प्रतिबंध है, फिर पत्थर के सनम है, फिर अभी ये अरब का भी, मैं अरब में भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है, और अच्छा लग रहा है कि अरब का मैं एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ जी। जैसे आपका लुक भी पूरा अरबियन जैसा आ रहा है, तो आप अरब में रहेंगे? हाँ, अब डायरेक्टर डिसीजन करेंगे, प्रोड्यूसर कि हम कहाँ रहेंगे। हालांकि मुस्लिम का करेक्टर मुझे ज़्यादा ऑफर होता है, लुक शायद वैसा आता होगा कुछ, तो अब देखते हैं पराग सर क्या, कौन सा करेक्टर देते हैं। अपना फिल्मी करियर को लेकर कितना खुश हैं आप? अच्छा है, संतोषजनक है, और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ अवधेश भैया का, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और एक प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने का, तो मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। एक बेटा हूँ आपका, भाई हूँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप, मैं आशा रखता हूँ कि आप आशीर्वाद देंगे और प्यार देंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम।